नमस्कार, पुलिस वाला वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के बहुचर्चित AK-47 तस्करी मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। तस्करी के इस गोरख धंधे की जांच के लिए 12 सदस्यीय NIA टीम जबलपुर पहुंची है, जहां उसने COT फैक्ट्री में दबिश दी। NIA टीम अपने साथ रिमांड में तस्करी के मास्टरमाइंड और COT फैक्ट्री में सीनियर स्टोर मैनेजर रहे सुरेश ठाकुर और एम्स आर्मोरर पुरुषोत्तम रजक को साथ लाई। जानकारी के मुताबिक जांच में फैक्ट्री के पदस्थ करीब एक दर्जन अधिकारी और कर्मचारी भी अब NIA के रडार में आ गए हैं, जिनका नाम सुरेश और पुरुषोत्तम ने अपने बयानों में दिया था। NIA की टीम फैक्ट्री के RSSD सेक्शन पहुंची, जहां स्टॉक रजिस्टर और अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है। लंबे समय से फल फूल रहे तस्करी के इस खेल में करीब 70 से अधिक AK-47 हथियार COD फैक्ट्री से बिहार के मुंगेर और वहां से देश के अनेक हिस्सों में बेचे जा रहे थे। मामले को NIA द्वारा टेकओवर करने से पहले बिहार की मुंगेर और जबलपुर पुलिस ने काफ़ी कुछ खुलासे कर दिए थे। करीब एक दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी कई बड़े चेहरे पेपरदा होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे खेल में एक्स सर्विसमैन समेत फैक्ट्री के आला अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। NIA की टीम बेहद गोपनीय ढंग से मामले की जांच में जुट गई है। जांच के अंश को बताए बिना जबलपुर SP ने ANI टीम की जबलपुर में होने की पुष्टि की है। सर, सुरेश ठाकुर और पुरुषोत्तम रजक हैं, दोनों को रिमांड पर लेकर आई है। COD में ले गई है उन्हें और विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। विशेष रूप से जो RSSD की जो डिपो है, वहाँ के जो ऑडिट रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, इस संदर्भ में जांच हो रही है। इसके अलावा जो और एसोसिएट संभावित हो सकते हैं, उनको भी खंगाल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा, निश्चित तौर पे NIA की टीम आप सभी से शेयर करेगी। जबलपुर के कैंट थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 देशी पिस्टल, 1 कट्टा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस ने अभियान लगातार जारी रखा है। इस कड़ी में पुलिस ने आरोपी डिंपल सोनकर और राजेश उर्फ करसा को पकड़ लिया है, जो हिस्ट्री सीटर भी हैं और लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी रखते हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 20 दिसंबर को गोलचा बारात घर के पास से दोनों आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से हथियार बरामद किए गए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिर ये हथियार वो लाते कहां से थे। विधानसभा चुनाव के बाद EVM मशीनों को 45 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। कोर्ट में चुनाव याचिकाओं को लेकर इन मशीनों को 45 दिन के लिए सील किया गया है। इसके बाद चुनाव याचिकाओं से संबंधित मशीनों को साक्ष्य के लिए रखकर बाकी मशीनों को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कराया जाएगा। जबलपुर में इन मशीनों को अधिकारियों की देखरेख में सील कर दिया गया है। चुनाव में EVM की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये EVM न केवल चुनाव बल्कि उसके बाद चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं के संबंध में भी गवाह का काम करती हैं। चुनाव को लेकर आपत्ति होने पर याचिका 45 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। 45 दिनों के बाद याचिकाओं से जुड़ी EVM को बतौर गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बाकी की EVM मशीनों को लोकसभा चुनाव के लिए भेज दिया जाता है। जबलपुर में इन EVM के अधिकारियों की देखरेख में सील कर दिया गया है। जबलपुर कलेक्टर का कहना है कि 45 दिन में इनको सुरक्षित रखा जाएगा, इसके बाद इनको लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा। 45 दिन तक ये अभी इसी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि 45 दिन की अवधि में इलेक्शन पिटिशंस अगर कोई हाईकोर्ट जाता है मतदान या फिर मतगणना के परिणामों के प्रक्रिया के संबंध में, तो इलेक्शन पिटिशंस के लिए निर्धारित समय सीमा 45 दिन रहती है। 45 दिन के उपरांत जो हमें सूची मिल जाएगी कि कुल कितने मतदान केंद्रों के संबंध में आपत्तियां आई हैं, उनकी EVM यथावत अलग कर दी जाएंगी भविष्य में एविडेंस के दृष्टि से, और बाकी जो EVM रहेंगी उनकी फिर FLC करने के उपरांत फिर से उनको लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए। निंडोरी के जिले शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल नरिया में बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिभा पर्व मनाया गया, जहां खेलकूद, शिक्षा, स्वच्छता आदि के अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को संस्था के प्रधान अध्यापक प्रवीण सोनकिया एवं महिला सरपंच ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं प्रतिभा पर्व के अवसर पर ग्राम के सरपंच, शिक्षक, पालक शिक्षा के अध्यक्ष और बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। अंतर्गत हमारे विद्यालय में 3 दिवस का कार्यक्रम हुआ राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशन से। पहले 2 दिन इनका शैक्षिक मूल्यांकन हुआ और अंतिम दिवस इनका बाल सभा होती, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिन बच्चों ने स्थान अर्जित किया है, आज उनको हम पारितोषिक वितरण कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे हैं वो खेलकूद और
शिक्षा को लेके भी पुरस्कृत करेंगे? हाँ, बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताएं, जैसे उनकी रंगोली हुई, साल भर जो उनका प्रदर्शन होता है, जो महीने में सबसे अधिक दिन उपस्थित होता है, मासिक मूल्यांकन में जो अधिक स्थान प्राप्त करता है, उन सबको भी हम आज के दिन पुरस्कृत करते हैं। जो हमारी नवाचार गतिविधियों में सहभागी होते हैं, साथी बनते हैं, बढ़ चढ़कर हमारे साथ भाग लेते हैं, आज के दिन हम उनको भी सम्मानित करते हैं। ईसागढ़ नगर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, जिससे दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश है। बढ़ती चोरी जिससे दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिला। अब देखना यह है कि जिम्मेदारों की नींद कब खुलती है और चोरियों का सिलसिला कब बंद होता है। हालांकि कुछ घटनाएं ईसानगर बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। इसके आधार पर चोरों का पता लगाया जा सकता है। अधिवक्ता संघ नीमच के कश्मकश चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सुनील जोशी एडवोकेट और सुरेंद्र पटवा एडवोकेट चुनाव लड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए छग्गा लाल जी नरवड़िया एडवोकेट निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सचिव पद के लिए दीपक शर्मा एडवोकेट और चंचल बाहेती एडवोकेट मैदान में कश्मकश की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए उर्वशी बंसल एडवोकेट और जितेंद्र सिंह एडवोकेट मैदान में एवं सह सचिव के लिए विश्वास चंदेल एडवोकेट योगेश एडवोकेट चुनाव मैदान में है। सामने से लेने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज के साथ। नमस्कार।